वेलकम बैक टू अनदर WWE वीडियो। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल एच के बालों के बारे में। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको रियल रीज़न बताऊंगा कि ट्रिपल एच ने अपने बाल क्यों कटवाए। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग हर रोज़ WWE की वीडियो एक हिंदी में लाते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए एक बार इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ट्रिपल एच ने अपने बाल कटवाए थे तो उस वक्त उनके खिलाफ अलग अलग अफवाह फैली हुई थी कि उनके बाल उड़ रहे हैं, वो गंजे हो रहे हैं, या फिर WWE उनको फोर्स कर रहा है उनको बाल कटाने के लिए। तो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिपल एच ने खुद कहा था कि उनका ये बाल कटाना उनका एक पर्सनल मैटर था, मीन्स उनका एक पर्सनल डिसीजन था, और उनके बाल वाल ऐसे कुछ नहीं उड़ रहे थे। तो अब रीज़न क्या है दोस्तों कि उन्होंने आखिर अपने बाल क्यों कटवाए? तो दोस्तों, जैसे कि तुम्हें पता है, जब रेसलर्स रेसलिंग करते हैं तो उन पे जो बड़े बाल काफ़ी कूल लगते हैं, लाइक जैसे कि हमने देखा हार्डी बॉयज, शॉन माइकल, ट्रिपल एच, अंडरटेकर वगैरह, जब ये रेसलिंग करते थे तो इन पे काफ़ी इनके बाल कूल लगते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग के वक्त। और हमें ऐसा ही पता है कि और जब ट्रिपल एच ने अपने बाल कटवाए थे तो उस वक्त तो धीरे धीरे रेसलिंग करना छोड़ रहे थे, और ये इनका रेसलिंग छोड़ना इनका एक पर्सनल डिसीजन था बाल कटवाने का। क्योंकि दोस्तों, अभी ये WWE के मैनेजर बन गए थे, WWE को संभालने का काम थे, रेसलिंग नहीं कर रहे थे। अब तुम्हें बताओ यार, कोट पेंट में कौन आदमी लॉन्ग पोनीटेल में अच्छा लगेगा? तो इस ट्रिपल एच भी उस वक्त अब ऐसा हो गया था कि मतलब WWE का काम वगैरह ज़्यादा संभाल रहे थे, मीटिंग में जाना, तो उस वक्त उन पर लॉन्ग पोनीटेल कोट पेंट भी अच्छा नहीं लगता था, और वो अब ज़्यादा रेसलिंग भी नहीं कर रहे थे कि अब उनको लंबे बाल रखने पड़े, तो इसलिए उन्होंने अपने बाल कटवा दिए थे ऑफिस के इशू की वजह से। तो दोस्तों, ये बेसिकली एक सिंपल रीज़न था ट्रिपल एच के बाल कटवाने की वजह। तो उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको असली रीज़न पता चल गया होगा। तो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।